क्रोध क्यों न करें। भगवान बुद्ध की प्रेरक कहानियां जीवन के लिए प्रेरणा है। उनके उपदेशों और कहानियों को सुनकर एवं देखकर आप सब भी प्रेरित होंगे। एक दिन महात्मा बुद्ध एक विशाल जनसभा में प्रवचन दे रहे थे। वहां मौजूद सभी लोग अपार शांति और तन्मयता से उनकी बातों को सुन रहे थे। कहीं कोई शोर नहीं था, मात्र बुद्ध की वाणी ही गूंज रही थी। बुद्ध के शिष्यों के साथ वहां उपस्थित सभी लोग बुद्ध के अमृत वचनों को एकाग्रता से सुन रहे थे। तभी उस शांत वातावरण में एक जोरदार आवाज आई। एक व्यक्ति बाहर से चिल्लाकर कह रहा था, आज मुझे बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। बुद्ध उसका चिल्लाना सुनकर मौन रहे। उस व्यक्ति ने फिर से चिल्लाकर वह बात दोहराई। बुद्ध अपने आंखों को बंद कर लिए। तब उनका एक शिष्य बोल उठा, भगवान बाहर खड़े अपने शिष्य को अंदर आने की अनुमति दीजिए। बुद्ध अपने आंखों को खोलकर बोले, नहीं, यह अछूत है। भगवान बुद्ध के मुंह से ऐसी बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई अचंभित हो गया, क्योंकि भगवान बुद्ध जात पात में विश्वास नहीं करते थे। तब एक शिष्य ने साहस करके भगवान बुद्ध से पूछा कि अछूत क्यों। महात्मा बुद्ध बोले, आज यह क्रोध में आया है। क्रोध से जीवन की एकता भंग होती है। क्रोधी मानसिक हिंसा करता है। इसी भी कारण से क्रोध करने वाला अछूत है। उसे कुछ देर के लिए यह याद करने के लिए छोड़ दो कि अहिंसा परम धर्म है। महात्मा बुद्ध के अनुसार क्रोध एक असात्विक भाव है जो कहने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए हानिकारक है। क्रोध से बचते हुए हर किसी को शांति से विचार करने और कार्य करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए, क्योंकि शांत मन मस्तिष्क में ही विवेकपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। धन्यवाद।